वो 2019 है, मैंने एडमिशन लिया आज। अभी तक आप फर्स्ट ईयर में हैं? जी अभी तक मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में लगातार युवा परेशान है, चयनित परेशान है, युवा परेशान है। लगातार सरकार से यह मांग उठ रही है कि युवाओं के हित में कार्य किया जाए। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, राजधानी भोपाल में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हुए, परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर प्रदर्शन हुए, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के नर्सिंग के छात्र मौजूद हैं जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर के। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि ये लगातार अभी तक ये 2019-2023 बैच के छात्र हैं, पर ये अभी तक, आप ध्यान से सुनिए कि ये अभी तक 2019 में जब से इन्होंने एडमिशन लिया है तब से लेकर ये अभी तक फर्स्ट ईयर में ही हैं। अब ये फर्स्ट ईयर में रहने की वजह ये है कि इस बीच कोविड का दौर आया, कोविड महामारी का दौर आया अलग अलग यूनिवर्सिटी में, उसके बाद भी परीक्षाएँ की गई। जिन लोगों ने परीक्षाएँ नहीं की, जिस यूनिवर्सिटी में परीक्षाएँ नहीं की गई, जिन कॉलेजों में परीक्षाएँ नहीं आयोजित कराई गई, उन जगह पर प्रमोशन दिया गया। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अनुसार इन छात्रों को भी, जो थर्ड ईयर के छात्र हैं उन्हें छोड़कर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलना था, पर इन छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया। पहले यह बात कही गई कि इन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, इन्हें इनके कॉलेज, जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि तृतीय वर्ष के छात्रों को छोड़कर बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अध्ययनरत छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाए, पर फिर भी इन्हें जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया कि काउंसिल के आधार पर आप लोगों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, पर फिर कुछ दिनों बाद ही दूसरा नोटिस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया कि आप लोगों का जो भी जनरल प्रमोशन होना था उसे निरस्त कर दिया गया बिना किसी कारण बताए। तो हमारे साथ ये दो छात्र मौजूद हैं, ये आगे की पूरी जानकारी देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जैकी मलिक है, मैं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से, यानी कि MPMSU जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर है, उसमें मैं बीएससी नर्सिंग का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और हमारी जो मतलब सत्र है, बैच है, जो हमारा एकेडमिक ईयर है जिसमें मैंने एडमिशन लिया है, तो वो 2019 है, मैंने एडमिशन लिया आज। अभी तक आप फर्स्ट ईयर में? जी अभी तक मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। और हमारी जो है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं अदर स्टेट से आया हूँ अपना यहाँ भविष्य बनाने के लिए, और हमारा भविष्य आज यहाँ अंधकार में है, और ये प्रदेश सरकार के कारण है। और इस पे जो है ना, राज्य के मुख्यमंत्री, इस मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, इनसे लगातार हमारी मांगें की जा रही थी कि हमारी मांगें की जा रही हैं कि हमारी जो है, हमें हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, हमारी समस्याओं को सुना जाए, और राज्यपाल महोदय से भी मांग की जा रही है कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज हमारा भविष्य इतना अंधकार में है कि हम क्या बताएँ, हम किस तरीके से हम जी रहे हैं कि क्या बताएँ। हम रूम लेकर, रेंट लेकर यहाँ रहते हैं, हमें कॉलेज की फ़ीस देनी पड़ती है, कॉलेज से हमें प्रेशर मतलब मिलता है कि हम फर्स्ट ईयर के, अभी हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए, हमसे सेकंड ईयर की फ़ीस ही मांगी जा रही है कॉलेज द्वारा, और उसके बाद में हमें रूम का रेंट देना पड़ता है। हमें ये सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है, जिससे मैं हाथ जोड़ के राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूँ, मेरी विनती है, प्रार्थना है कि हम विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, या नहीं ऐसा किया जा सकता है तो हमें हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाए। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, और उस थर्ड वेव में अब ये यूनिवर्सिटी लगातार कई बारों से, मतलब आज पिछले एक साल से ये यूनिवर्सिटी हम विद्यार्थियों के साथ इतना अत्याचार, अन्याय कर रही कि हम आपको उसको बताएं तो वो समस्याएं बहुत लंबी चली जाएंगी, मतलब बताने का समय इतना बहुत लंबा हो जाएगा।
क्योंकि ये बार बार टाइम टेबल जारी करके रिलीज करती है, उसके बाद में ये स्थगित कर देती है, कहती है अपहरित कारणों की वजह से टाइम टेबल को आपकी परीक्षा की जो है तिथि को स्थगित किया जा रहा है। अब ऐसे में बताइए, हमारे सभी जो मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, पूरे प्रदेश के नर्सिंग छात्र के जो है वो नर्सिंग की कोर्स करवा रही है, उससे सभी नर्सिंग के सभी कॉलेज प्रदेश के जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, और मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है माननीय विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से कि हमें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। अब ये समय परीक्षा लेने का नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा लेंगे आप तो हमारे रिजल्ट कब आएंगे और हम अगली कक्षा में कब जाएंगे। इसलिए माननीय विश्वास सारंग जी, आप प्लीज़, हम 80,000 प्लस छात्र हैं, हमारी समस्याओं को ध्यान दीजिए। हम दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, हमारे वहाँ की हमारी गवर्नमेंट को अगर ये समस्या पता चलती है तो वो क्या सोचेगी, आपके बारे में क्या सोचेगी, इस प्रदेश सरकार के बारे में क्या सोचेगी कि यहाँ के जो है सरकार इतना मतलब छात्रों के साथ इतना अन्याय कर रही है। अब बताइए कि हमें, आप ये बताएँ कि ये सरकार समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हमारी आखिर समस्या को सुनती क्यों नहीं है। हम बहुत परेशान हैं लेकिन ये कोई हमारी समस्या नहीं सुन रहे। हम यहाँ तक उच्च शिक्षा आयुक्त एवं राज्यपाल महोदय तक ज्ञापन दे चुके हैं, ऑनलाइन जो है उनके ईमेल पे ज्ञापन दे चुके हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरेट में कंप्लेन कर चुके हैं, INC में कंप्लेन कर चुके हैं, UGC में कंप्लेन कर चुके हैं, और उसके बाद में फिर PMO पे कंप्लेन कर चुके हैं, और उसके बाद में CM अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। और ये लगातार यही कह रहे हैं कि हमें लगातार यही कह रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं होंगी। अब हमारी अगर ऐसी स्थिति में दो साल, हमें अभी तक हमें तो थर्ड ईयर में होना चाहिए था, हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग हमने जिस सत्र में एडमिशन लिया था 2019 में, हमें अगली इस समय हमें थर्ड ईयर में होना चाहिए था, लेकिन अभी हम प्रथम वर्ष में ही हैं, फर्स्ट ईयर में ही हैं, हमें सेकंड ईयर के हमारे एग्जाम हो जाने चाहिए। आप बताइए कि जब ये बात कही गई कि आप लोगों का जो जनरल प्रमोशन है उसे निरस्त कर दिया गया है, तो उसका कारण आप लोगों को बताया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा? जी, हमको बताया गया है कि हमारे द्वारा पूछने पर यूनिवर्सिटी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा हमारे प्रमोशन को निरस्त कर दिया गया। क्यों किया गया, ये बात बताई गई? नहीं, इसका कारण हमें नहीं बताया गया अभी तक, क्योंकि और हमने पूछने की कोशिश भी की तो हमें कुछ भी बात बोल के टाल दिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कभी इस मुद्दे पर बात की? जी, हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमको केवल उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन आज तक के उनके द्वारा परीक्षाएं कराने की बात कही या जनरल प्रमोशन? उन्होंने सोचा कि उन्होंने बोला हम इस मुद्दे पे हम सोचेंगे, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई निर्देश नहीं आया और ना ही उनके तरफ से कोई जवाब मिल रहा है। हमने ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाया, अभी तक उनके द्वारा कोई भी हमारे को मतलब कोई भी जवाब नहीं मिला, ना मध्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, ना ही मुख्यमंत्री विभाग द्वारा, क्योंकि हमने CM हाउस मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, कई बार राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया गया उनके द्वारा। और ऐसा भी सुनने आया था कि कुछ छात्रों ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। जी, इस मैटर से रिलेटेड बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिनमें से एक छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी आज से 6-7 महीने पहले, और हम ही लोगों ने इनको बचाया था। आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं और इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, तो ये सारी चीज़ें आपने इतना बड़ा कदम उठाया और इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, मैं यही केवल कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार से और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय जी से और राज्यपाल महोदय जी से, और यदि ये लोग नहीं सुन रहे तो हम PM महोदय से कहना चाहते हैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कि हमारी घर की आर्थिक स्थिति, हम इतने कोई हाई लेवल क्लास के स्टूडेंट नहीं है, घर से बिलोंग नहीं करते हैं, हमारे घर की आर्थिक स्थिति में हमारे 8 भाई बहन हैं, और जिसमें से सभी के हमारे पिताजी जो है कृषि का कार्य करते हैं, और जो है हमारी कोई ज़्यादा बड़ी खेती नहीं है, छोटी खेती है, और जिससे हमें
पता नहीं किस स्थिति से हमें पढ़ाते हैं। हम एक गरीब परिवार घर का लड़का हूँ और मुझे पढ़ा रहे हैं, उनसे मुझे कुछ आशाएँ हैं, उम्मीद है। और आज हमारी क्या नाम है समस्या आपके ध्यान नहीं देकर हमारी समस्या को पूरा नहीं करके हमारे क्या नाम है हमारे भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। तो इससे इस कारण से हमारे ऐसे मन में विचार आ गया था, जिसके कारण हमने सोचा कि ऐसी लाइफ जीने से बेहतर ये कि अपनी जान दे के इस दुनिया में ना रहें तो बेहतर ही होगा। तो ऐसा मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि छात्र बिल्कुल ऐसा मत सोचे। मैंने जो किया था ये बिल्कुल ऐसा हर किसी के मन में विचार आ जाएगा, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जो है परेशान रहता है, इसलिए उन सभी के मन में विचार आ। लेकिन मैं सभी से ये कहूँगा अपने साथियों से कि कोई मेरे साथी ऐसे कदम नहीं उठाएं जिससे कि उनके परिवार को रोना पड़े। अगर 10 मिनट केवल हमारे अगर साथी हमारे रूममेट अगर लेट होते तो मैं आज यहाँ जो आपसे बैठ कर बातें कर रहा हूँ शायद इस दुनिया में मैं नहीं होता। और मैं मध्य प्रदेश शासन से और सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों का ध्यान दे, हमारी समस्याओं को सुने और उस पर विचार करे कि हमने ऐसा करके हमें बचा लिया गया। लेकिन अगर छात्रों ने सामूहिक हत्या करना शुरू कर दिया या कोई छात्र और ऐसा कदम उठा लेगा तो फिर उसका क्या होगा, उसके जिम्मेदार कौन होगी, मध्य प्रदेश सरकार होगी या फिर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर होगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? ये सरकार हमें जवाब दे। माननीय विश्वास सारंग जी, आपसे हमारी विनती है, अनुरोध है कि अगर आपको जनरल इंडियन नर्सिंग काउंसिल अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी ने जनरल प्रमोशन दिया था तो आपने जनरल प्रमोशन क्यों निरस्त मतलब उसको अनुमति क्यों नहीं दी? आपने उसको ये बोल दिया कि हम अनुमति नहीं दे रहे हैं जनरल प्रमोशन की। अब अनुमति नहीं दे रहे हैं तो फिर उसके बाद में उन्होंने निरस्त जब कर दिया, फिर उसके बाद में हमारी परीक्षाएं भी कंडक्ट नहीं करवाई गई, आज तक हमारी परीक्षाएं नहीं हुई। और बाकी के सभी राज्यों में जनरल इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया या ऑनलाइन परीक्षा में ये नहीं कर सकते। तो आप ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ओपन बुक करवा दीजिए, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट वो भी मेडिकल से बिलोंग करते हैं, उनके भी तो करवा दिए गए, RGP भी करवा दी गई उनकी। और जैसे कि यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे LNCT हुई, पीपल्स हुए, इसमें भी नर्सिंग के कोर्स करवाए जा रहे हैं। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ मध्य प्रदेश की जो है बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दी हैं, और या फिर उन्हें जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नहीं तो वो ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम करवा दी हैं। और आप जो है इसमें फार्मेसी को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है RGPB हुई, चाहे BU हुई, चाहे जीवाजी हुई, कोई भी यूनिवर्सिटी हुई, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जो इस मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने फार्मेसी के स्टूडेंट को ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया, अगली कक्षा में भेज दिया या उन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया गया। लेकिन हम भी मेडिकल के, हम नर्सिंग के हैं, तो हमारी जो INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो पूरे सर्कुलेट करती है पूरे भारत के नर्सिंग कोर्सेज को, तो वो जब उसकी जो अनुमति दी गई है तो उसके आधार पर अगर जनरल प्रमोशन अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जब विश्वविद्यालय ने प्रमोट किया विद्यार्थियों को, तो फिर इसमें ज़रूरत क्या थी कि मतलब आपको अनुमति ना देने की? मध्य प्रदेश सरकार से मेरा ये सवाल है और मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी यही सवाल है। और ये मैं चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें कि जिससे छात्र मतलब इतने मानसिक स्थिति से इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमारे ऊपर रेंट का वो आ रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति का बोझ पड़ रहा है, उसके बाद में फिर पढ़ाई का भी प्रेशर पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों की समस्याओं को लेकर हमने कोविड में भी ड्यूटी की है, तो इसको लेकर हम लोग मानसिक रूप से बहुत बुरी तरीके से इससे प्रभावित हैं, जिसकी वजह से हम छात्रों के मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। और ऐसे में छात्र ऐसे विचार लाना पूरी तरह से गलत है जी। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप इस तरह के विचार ला रहे हैं जी जी
जी, ऐसा है कि तो ये विचार लाना गलत है, परंतु क्या किया जाए, इतने लंबे समय से हम लोग समस्याओं से जिन समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं ना, अगर इस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो देखिएगा कि ऐसा हर कोई सोचने के लिए ऐसा मजबूर हो जाएगा, इसलिए ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और तो देखिए, युवाओं की वेदना चीतकार कर रही है, ये आंखों में आंसू लिए ये युवा आए हैं हमारे साथ, ये दो युवा मौजूद हैं, इनकी वेदना चीतकार कर रही है, ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाए। 2019 से एक ही कक्षा में अध्ययनरत हैं, अभी तक ना तो इन्हें जनरल प्रमोशन मिला है और ना ही यह बात कही गई है कि इनकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलते हैं कि इनके मुद्दे पर विचार किया जाएगा, आखिर कब तक विचार किया जाएगा। अभी 2021 चल रहा है, 2023 में इनका कोर्स खत्म होने वाला था, लेकिन अभी तक वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही अध्ययनरत हैं और इन्हें इस बात का भी बिल्कुल भी इन्हें ये बात भी नहीं ज्ञात है कि कब तक इनकी परीक्षाएँ होंगी या फिर इन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, आगे क्या होना है इन्हें कुछ भी नहीं पता। आंखों में आंसू लिए ये युवा चीत्कार कर रहे हैं। इनके कई साथी ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स लोन पर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 80,000 छात्र हैं, आर्थिक स्थिति से परेशान होने की वजह से इन्होंने आत्महत्या करने की तक कोशिश की, मौत को गले लगाने की कोशिश भी की, और समय रहते इनके साथी नहीं पहुँचते तो शायद अनहोनी हो जाती। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस बात पर किसी भी तरह के जवाब देने से कतराते नजर आते। तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ छात्र आपके साथ में ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स लोन पर पढ़ रहे हैं, जो अभी और अगर उन्होंने 3 साल का स्टूडेंट लोन लिया है और आप लोग अभी तक फर्स्ट ईयर में हैं, तो आगे क्या क्या कुछ होगा? जी, कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने स्टूडेंट्स लोन लिए हैं, और स्टूडेंट लोन अगर जैसे अगर हमारी डिग्री अगर 4 साल की डिग्री है, अगर हमारी डिग्री 8 साल में मिलेगी तो स्टूडेंट लोन हम कैसे चुकाएंगे? काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे जिन्होंने स्टूडेंट लोन लिया है, अब अगर उनकी 4 साल की डिग्री अगर 4 साल में मिल जाती है तो वो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से अपना लोन चुका सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री ही नहीं मिलेगी टाइम पे, और हमारी जैसे अगर 4 साल की डिग्री अगर 10 साल में 8 साल 10 साल में मिलती है, तो हम कैसे हम किसी अब जॉब के लिए मतलब हमारी जो एक एज के क्राइटेरिया होता है वो भी हम पार हो जाएंगे और उस जॉब के लिए हम मतलब अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम उस लोन को कैसे चुका पाएंगे टाइम पे टाइम? आर्थिक स्थिति से ये युवा जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अब इनके सामने ये समस्या भी खड़ी हो गई है कि लगभग 80,000 छात्र हैं जो मध्य प्रदेश नर्सिंग के बीएससी के छात्र हैं, अब ये अगर स्टूडेंट लोन पर पढ़ रहे हैं 3 साल में, जो लोन इन्हें जो 3 साल का लोन था, अब अगर इनका कोर्स इस तरह से एक्सटेंड होते जाएगा लगातार, क्योंकि अभी तक यह स्थिति साफ नहीं हुई है कि इन्हें जनरल प्रमोशन मिलना है या फिर इनकी आगे परीक्षाएँ होनी है, अभी तक ये फर्स्ट ईयर में ही है, 2019 में इन्होंने एडमिशन लिया था। चाहते हैं क्योंकि अगर हम जी हम तो अब ये हम पूरे प्रदेश के जो 80,000 प्लस छात्र हैं नर्सिंग के, हम लोग अब परीक्षा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे अब हम क्या नाम है प्रमोट होना चाहते हैं, अगली कक्षा में जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर यदि हमारी परीक्षाएं दूसरे राज्यों में किया गया है नर्सिंग में जनरल प्रमोशन, जी दूसरे राज्यों में 2019-20 बैच वालों को भी किया गया है, 2020-21 बैच वालों को भी कर दिया गया है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एवं थर्ड ईयर अंतिम यानी फोर्थ ईयर को छोड़ के। और हमारे इस क्या नाम है मध्य प्रदेश में यही केवल एक मध्य प्रदेश स्टेट बचा है जो कि अभी इसने नहीं किया है, बाकी और सभी राज्यों ने कर दिया है, तो इसलिए हम अब ये चाहते हैं कि हम लोग को अगली कक्षा में अब प्रमोट किया जाए, हमें एग्जाम हमारे ना करवाया जाए, क्योंकि अगर हमारे अब एग्जाम करवाओगे थर्ड बे ने कोई भी स्थिति अभी तक साफ नहीं की है ना तो परीक्षाएं कराने की ना तो बार बार ये टाइम टेबल जारी करते हैं, उसके बाद में परीक्षा स्थगित करते हैं, तो कराने के टाइम टेबल, हाँ परीक्षा कराने के टाइम टेबल जारी करते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की परीक्षाएं, हाँ फिर उसके बाद में जब 2-3 दिन बचते हैं ऑफलाइन परीक्षा कराने की, फिर उसके बाद में जो 2-3 दिन बचते हैं तो फिर उसके बाद में टाइम टेबल को स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर नोटिस जारी करते हैं 10-5 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, फिर स्थगन की वजह बताते हैं कि क्यों पोस्टपोन, यही कहते हैं अपरिहित कारणों की वजह से स्थगित किया जा रहा है। अब अपरिहित कारणों की वजह से आप स्थगित कर रहे हो, ठीक है, तो अब हमारा तो बहुत समय निकल चुका है, वैसे हमारा बहुत समय निकल चुका है, 2 साल समय निकल चुका है हम लोग का, तो अब हम परीक्षा नहीं चाहते
चाहते हैं हमें इंटरनल असेसमेंट के आधार पे जो है अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। यूनिवर्सिटी द्वारा टाइम टेबल जारी किए जा रहे हैं, छात्रों की परीक्षाएं कराने के लिए टाइम टेबल तो जारी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। लगातार ये छात्र परेशान हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार यूनिवर्सिटी द्वारा इनका टाइम टेबल जारी किया गया, फिर जब परीक्षा आने की जब तिथि होती है उसके 3-4 दिन पहले यह बात कही जाती है कि इनकी परीक्षाएँ अपहित कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा लगभग 15-17 बार ऐसा कर चुके हैं। ये सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में लगातार युवा बेरोजगारी से परेशान है, नियुक्ति से परेशान है, कोई परीक्षा ना होने की वजह से परेशान है, कोई रिजल्ट जारी ना होने की वजह से परेशान है। मध्य प्रदेश तो ऐसा लग रहा है कि जैसे युवाओं की परेशानी का केंद्र बन चुका है। लगातार ये छात्र मांग कर रहे हैं कि इनका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए, पर सरकार द्वारा इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। बार बार परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी की जाती है, पर बार बार परीक्षाएं भी स्थगित कर दी जाती हैं। इनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, पर सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं है। बच्चों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, कई छात्रों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, स्टूडेंट्स लोन पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो परिवार जो इन छात्रों से उम्मीद करें उन परिवार वालों की भी उम्मीदें टूट रही हैं, जिसकी वजह से ये छात्र सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मध्य प्रदेश जो राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, राजधानी भोपाल में कई बार युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, बेरोजगारों द्वारा प्रदर्शन किया गया, छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, चयनितों द्वारा प्रदर्शन किया गया, पर सिर्फ पुलिस की तानाशाही रवैया यहाँ पर नजर आती है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी जाती है, छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, कोई भी उनकी बातें नहीं सुनता। अभी हाल ही में प्रदर्शन हुआ था, युवाओं का प्रदर्शन हुआ था, बेरोजगारों का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश प्रशासन की तानाशाही जो रवैया था साफ तौर पर नजर आया। इन छात्रों पर, बेरोजगारों पर लाठी चार्ज तक की गई इस तरह से। और अगर विपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाती है तो वाटर कैनन चलाए जाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है। मतलब पूरे तौर पर अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश परेशानियों का केंद्र बन गया है। सरकार इनकी कोई भी बातें नहीं सुनती है। जब भी प्रदर्शन होते हैं तो ये बात बार बार कही जाती है कि परमिशन लिया जाए, पर इन छात्रों को परमिशन तक भी नहीं मिलते, इन्हें अपनी बातें रखने की परमिशन नहीं मिलती है, ना ही कोई सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए तैयार है। लगातार सिर्फ और सिर्फ ये परेशानियों से, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, पर द लोक नीति लगातार इनके मुद्दे उठाती रहेगी, लगातार बेरोजगारों के मुद्दे, लगातार चयनितों के मुद्दे, लगातार इन छात्रों के मुद्दे उठाती रहेगी। हम हमेशा इन लोगों के साथ हैं और इनकी आवाज़ को शीर्ष तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द लोक नीति।